ये उन दिनों की बात है। समीर ने बात मुझे क्यों नहीं बोली? तू तो जानती है ना, वो दिल की बातें दिल में ही रखता है। बहुत भोला है बेचारा। खैर, अब तू फिल्म नहीं देखना चाहती तो मत देख, सह लेगा वो ये दर्द भी। मुन्ना, तब मैं समीर के साथ फिल्म देखने जाऊंगी। सच? नहीं, मेरा मतलब है सच। कसम से बहुत पुण्य का काम किया है तूने, भगवान तुझे इस पुण्य का फल जरूर देगा। अरे माँ बेटे की दुआएं लगेंगी तुझे। अच्छा ऐसा कर, तू स्वाति को बुला के ला, मैं समीर को बुला के लाता हूँ। स्वाति को ही क्यों, मैं सबको बता कर आती हूँ कि हम बेटा देखने। अरे बेटा बेटा, पूरी बारात को बुला के लाना है क्या? नहीं, मेरा मतलब है ये गलत है, यही तो मौका है। इसी मौके पे चाहता समीर तू और वो दोनों साथ में फिल्म देखे और कोई ना हो। तो फिर तू और स्वाति साथ चल के क्या करोगे? हम कोई साथ में भी तो होना चाहिए ना। कल को कोई बात हो गई तो समीर को मैं संभालूंगा, स्वाति को तू संभाल लेगी, दोनों एक दूसरे को संभालते रहेंगे और बच जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं स्वाति से बात कर लेती हूँ। थैंक यू। मेरा मतलब ऐसे समीर बोलता थैंक यू। अच्छा ऐसा कर, आधे घंटे में बस स्टैंड पर तू स्वाति को लेके पहुंच, मैं समीर को लेके पहुंचता हूँ। एक और सुनो, अर्ज किया है। तीर चलाए वो आंखों से, नजरे उसकी पैनी। तीर चलाए वो आंखों से, नजरे उसकी पैनी। दिल ये मेरा घायल कर गई, देखो है नी, है नी, है नी। क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। समीर कहाँ है? वो बेटा उसके रिश्तेदार के घर पे बेटा पैदा हुआ है ना, तो वो वहां पे गया हुआ है। और मुन्ना कहाँ गया? आय हाय, तुझे बड़ी याद आ रही है अपने बंदर की। क्या ऑर्डर किया है? बहुत भूख लग रही है। अंकल जल्दी भेजो ना। स्वाति चल ना, कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ चल। हाँ, चल। एक और सुनो। वो आए हमारी कब्र पे दिया जला के चल दिए। आए वो हमारी कब्र पे दिया जला के चल दिए, दिए में जो तेल था सर पे लगा के निकल पड़े। अंकल दो सैंडविच और दो कैंपा कोला, एक मैंगोला भी दे देना। सुनना, पिक्चर देखने चल रही है। पिक्चर? धीरे बोलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुन्ना और समीर हमारा आधे घंटे बाद बस स्टैंड पर वेट करेंगे। तू जा रही है? तू भी चल रही है साथ में? एक मिनट, कल रात को तो तू बड़े गुस्से में थी, अचानक से कैसे मान गई? मानना पड़ा समीर के लिए। बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में अच्छे से आराम से समझाऊंगी, ठीक है? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? जो होगा देखा जाएगा, और अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो कौन शक करेगा? मैं ये बस समीर की खुशी के लिए कर रही हूँ। वैसे खुश तो मेरा बंदर भी बहुत हो जाएगा ना। सुनना, हम प्रीति को भी साथ ले चले। पागल हो गई है क्या? उसको लेके जाएंगे तो पूरी पलटन को लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं यार, मेरा मन नहीं मान रहा उसके बिना जाने का। डोली में भी उसको साथ बिठा के लेके जाइए क्या? अंकल वो उस वाली टेबल पे भेज देना। चल चल। क्या है यार मुन्ना, बड़ा कमाल का एक्टर है तू। अरे तुझे आज पता चला है? अगर बॉम्ब आता ना, सलमान शाहरुख आमिर सब की छुट्टी कर डालता मैं। अरे सीट खत्म हो गई इसकी। लेकिन कुछ भी कहो, नैना की शक्ल देखने लायक थी, एकदम इमोशनल हो गई थी तेरी दुख भरी कहानी सुन के। हाँ यार, तूने बात संभाल ली, मैं होता तो पकड़ा जाता। हाँ नैना थी इसलिए संभाल ली, अगर उसकी जगह वो फ्रॉक वाली पंडित होती ना, बिल्कुल पकड़ा जाता मैं। नैना आएगी ना यार? अरे 101% वो भी उस फ्रॉक वाली पंडित के साथ। लेकिन यार नैना बाकी लोगों को क्या बोल के आएगी? अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बाकी लोग भी आ गए तो क्या यार, पूरे प्रोग्राम की वाट लग जाएगी।
मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। पर जल्दी बता क्या बात है, मुझे टेंशन शुरू हो रही है। वो मुझे ना अभी प्रिंसिपल मैम मिली थी, वो इकोनॉमिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहती हैं। मैं और स्वाति तो जा रहे हैं, तुम में से कौन कौन आएगा? तुम ही जाओ। और क्या, हमसे क्लास तो अटेंड की नहीं जाती, एक्स्ट्रा क्लास कहाँ करेंगे। ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी, चल स्वाति। एक मिनट, तू कैसे मान गई एक्स्ट्रा क्लास के लिए? अब इसमें मानने वाली क्या बात है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो अच्छे नंबर कैसे लाऊंगी। वाह, क्या उच्च विचार हो गए स्वाति के। नैना, स्वाति मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ चलना, लेकिन तुझे पता है ना कि एक्स्ट्रा क्लास 4:30 बजे तक तो चलेगी। और 5 भी बच सकते हैं। एक काम करो, तुम ही लोग जाओ, मेरे को नहीं करनी इतनी पढ़ाई। तूने तो डरा ही दिया था। मुझे ना तुम सब लोगों से एक बात करनी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो लगा था कि समीर के साथ घर छोड़कर भागने वाली है। चल अब बाय। ओ भाई, यहां रख देते हैं इसको। ये ठीक है, छत पे डालो सुखाने, तो बंदर सब खराब कर जाते हैं। ये बंदरों ने तो बहुत परेशान करके रख दिया है, उस दिन तो मेरे घर का केबल का तार भी तोड़ दिया। ओ भाई, तुमने भी केबल लगवा लिया? बहुत दिन हो गए। बहुत बढ़िया चीज है, घर बैठ के एक से एक पिक्चर देखो, वो भी 40 रुपए महीने में। ओ भाई, क्या बढ़िया है, एकदम बेकार है ये टीवी वीसीआर, इन्होंने कसम बर्बाद किया बच्चों को। मैंने तो बेला से साफ कह दिया कि लगवाना है केबल तो लगवा लेना, लेकिन जब बच्चों की शादी हो जाए तब। हाँ। मैं कपड़े सुखा कर आई। मम्मी, वरुण जीजा जी का फोन है, वो बेला चाची के साथ बात करना चाहते हैं। हैं? दामाजी का फोन मेरे घर पे? तू जा पड़ जाके, मेरे घर के फोन पे फोन क्यों लगाया? दामाजी कैसे हैं आप? जी वो आपके यहाँ फोन बिजी आ रहा था, इसीलिए मैंने ताई जी के यहाँ फोन किया। भगवान झूठ ना बुलाए। दामाजी आप रुकिए, मैं अभी पूजा से बात कराती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पूजा से नहीं, मुझे आप ही से बात करनी थी। मुझसे? बोलिए दामाजी। वो दरअसल बात यह है कि पूजा और बिट्टू के बीच झगड़ा हुआ है। बिट्टू हमारी पड़ोसी है और उनसे हमारा करीबी मिलना जुलना भी है, और उस झगड़े के चलते हुए ही मैंने पूजा को घर पे छोड़ा है। ताई जी ने वरुण जीजा जी से झूठ बोलकर पूजा दीदी का राज जान लिया था, मतलब अब एक नया ड्रामा शुरू होने वाला था। वहाँ मुन्ना ने मुझसे झूठ बोलकर अपनी बात मनवाई थी, तो ड्रामा तो यहाँ भी होना था, क्योंकि हीरो था, हीरोइन थी और स्कैंडल भी था, तो फिर फिल्म में ट्विस्ट कैसे ना हो। और वो ट्विस्ट और कोई नहीं, चाचा चाची ही थे, क्योंकि एक झूठ तो चाची ने भी बोला था। हाँ। भगवान झूठ ना बुलाए, यहाँ तो हाउसफुल का बोरेड लगा है। क्या है? टिकट मिली नहीं? तो फिर अभी इतनी देर क्या कर रहे थे? जंग लड़के आ रहा हूँ मैं। ए? और क्या, इतनी छोटी सी खिड़की में 5-5 लोगों ने अपना हाथ घुसाया हुआ है, ऊपर से इतनी गर्मी, धक्का मुक्की, ये जंग नहीं तो और क्या है? ऊपर से देखो, ये घड़ी की चेन भी टूट गई। प्रीति के पापा घड़ी की चेन तो अब नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने फिल्म नहीं देखी ना तो मेरा मन का चैन खो जाएगा। 10 का 60 बोलो, 10 का 60, 10 का 60 बोलो, 10 का 60, 10 का 60 बोलो, 10 का 60, 10 का 60। तुम सोचना भी मत, मैं
मैं ब्लैक में टिकट बिल्कुल नहीं लूंगा, भले बीबी का मूड खराब हो जाए। पिला तुम कैसी बात कर रही हो, वो 10 की टिकट 60 में बेच रहा है। 20 का 60, 20 का 60, 20 का 60, 40 का 100, 40 का 100, 40 का 100। ये आवाज याद है आपको? ब्लैक में टिकट बेचने वाले की ये आवाज उन दिनों की याद बनकर रह गई है। और हम सिंगल स्क्रीन टॉकीज से आज के बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस तक आ गए हैं। अब टिकट्स ब्लैक में नहीं बिकते, वरना पहले बाप रे, फिल्म के टिकट खरीदना मतलब कोई जंग लड़ना, धक्का मुक्की, शोर शराबा, छोटी सी खिड़की में 4-5 हाथों का घुसना, घड़ियों का टूटना, जेबों का कटना, कमीजों का फटना, मारा मारी, चिल्ला चिल्ली, और पीछे से आती ब्लैकी की आवाज, 20 का 60, 20 का 60, 20 का 60, 40 का 100, 40 का 100, 40 का 100। मैं तो इतना तेज बोल भी नहीं पा रही हूँ। कुछ भी कहो, तब फिल्म्स देखने का मजा अलग ही था। खैर, अब फिल्म्स देखने में ये एक्सपीरियंस ना सही, पर कुछ अच्छे बदलाव जरूर आए हैं। भगवान झूठ ना बोले, प्रीति के पापा ले लीजिए ना टिकट, पता चला बाद में ये भी नहीं मिलेगी। ले लीजिए। अरे यार समीर, डर सा लग रहा है, कहीं किसी ने देख लिया तो। उस दिन तो सफारी सूट ने सिर्फ डांटा था, अगर आज पकड़े गए तो जान से मार देगा यार। अरे यार, यहाँ मरने मारने की बात चल रही है, तू हंस रहा? हंसू नहीं तो क्या करूं, अभी थोड़ी देर पहले तू सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय बनने की कोशिश कर रहा था, और अब नानी याद आ गई। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। यार फिल्म का टाइम तो हो गया, ये दोनों कहाँ रह गए? और अगर टिकट नहीं मिली तो? यार टिकट तो हम ब्लैक में ले लेंगे, पर ये दोनों तो आए कम से कम। कोई आया पंडित, आज बड़ा सुंदर लग रहा है तू। मुझे पता था तू आज जरूर आएगी। मुझे बता नहीं सकते थे? मुझे लगा तुम समझ जाओगी। जैसे मैं तुम्हारे दिल की बातें समझ जाता हूँ ना, वैसे तुम भी मेरे दिल की बातें। आजा, जल्दी आ। चलें। मुन्ना, तू स्वाति के साथ रिक्शा में आ। रिक्शा? ओके। ए रिक्शा वाले भैया रुको, पीछे पीछे आओ, जल्दी कोई देख लेगा। नैना को ये माँ बेटी वाली इमोशनल कहानी सुनाने का आइडिया मुन्ना का था। पहले तो मुझे सही भी नहीं लगा था, लेकिन शायद नैना को मनाने का दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ऊपर से मुन्ना का कॉन्फिडेंस से भरा ये डायलॉग। समीर भाई, फिल्म हो या जिंदगी, इमोशंस कभी फेल नहीं होते। उस दिन मुझे एक और बात समझ में आई कि नैना पर वो बात बिल्कुल लागू नहीं होती कि प्यार से पेट नहीं भरता, क्योंकि उसका दिल ही इतना बड़ा था कि उसके साथ रहते हुए पेट खाली हो या ना हो, मेरा दिल जरूर हमेशा प्यार से भरा रहेगा। आखिर वो मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने को जो तैयार थे। घबराओ मत, इस बार गिराऊंगा नहीं।
भगवान झूठ ना बुलाए, इतनी मुश्किल से भाभी जी से बहाना बना के निकली थी। अब अगर जल्दी घर जाऊंगी तो भाभी जी पूछेंगे, ओ भाई बेला इतनी जल्दी सेजल की सास। तुम्हें क्या जरूरत थी बहाना बनाने की? आपको पता है पिछले 10 साल से ये बहाना काम आ रहा है। मतलब क्या तुम्हारी ये सेजल की सास 101 साल की है क्या? मैं आपको एक सच बात बताऊं, सास तो तब होगी ना जब कोई सेजल होगी। क्या मतलब तुम मुझसे भी इतने सालों से झूठ बोलती आ रही हो? देखा, मतलब मैं आपके खातिर सबसे झूठ बोलती जा रही हूँ, यहाँ तक कि मैंने आपसे भी झूठ बोल दिया। अब तो ले लीजिए ना टिकट। मैंने तुमसे कहा ना मैं ब्लैक में टिकट नहीं लूंगा, तो मतलब मैं टिकट नहीं लूंगा। मैं टिकट लेके आता हूँ। समीर कहाँ है? वो अब टिकट लेने गया है। ठीक है। क्या हुआ देखो, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? तू डरा दिया मुझे, मुझे लगा कि मैं पकड़ी गई। तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पूरा मूड खराब हो गया यार। क्यों, क्या हो गया? हाउसफुल। चलो चलो घर चलते हैं। अरे हम घर जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। रुको मैं टिकट लेके आता हूँ। ब्लैक में लाओगे? कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है, बड़े मुश्किल से तो आए हैं यार। तू चुप कर, खामखा 10 रुपए की चीज के 50-60 रुपए थोड़ी देंगे। 1000 रुपए भी देने हुए ना तो मैं दूंगा। हम साथ में पहली बार फिल्म देखने आए हैं और ये पल बहुत कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। तुम लोग रुको मैं टिकट लेके आता हूँ। भाई 10-20 रुपए की जरूरत पड़े ना तो बता दियो, मैं दे दूंगा। मिला तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, मैं ब्लैक में टिकट नहीं लूंगा। नहीं लेना है ना आपको? ठीक है, अब आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है, मैं भी फिल्म देखे बिना घर नहीं जाऊंगी। आपको पता है प्रीति के पापा फिल्म में ना हीरोइन के एक आवाज पे हीरो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और यहाँ आप मेरे लिए एक टिकट छोड़ो। अच्छा तुम जीती मैं हारा, मैं टिकट लेके आता हूँ। सुनिए जी, बहुत ही प्यारे हो आप। क्या कर रही हो? यहीं रुको। चाहिए लेके आइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोको जाकर रामदूत अतुलित बल धामान जनि पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी को। क्या बड़बड़ कर रही है? हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। पहले पता होता तो शलवार कमीज पहन कर आते ना, कम से कम दुपट्टे से मुंह तो छुपा सकते थे। दुपट्टा ना सही, रुमाल तो बांध सकते हैं। जोकर लग रहे दोनों। तू थोड़ी देर चुप रहेगा? तुम्हें कहा था ना दूर जाके खड़े हो, जाओ। क्या हुआ? ठीक ही कहा इसने, जोकर ही लग रहे हैं हम लोग। वैसे ये बात भी सही है, ये समीर कहाँ रह गया? ओ रे, ए, ए, दूर हुआ भाई, मैं देख के आता हूँ। प्रीति के पापा कहाँ रह गए? भगवान झूठ ना बुलाए, कहीं प्रीति के पापा वापस घर तो नहीं चले गए ना? मैं भी क्या सोच रही हूँ। हाल बेहाल हो रहा था, पसीने छूट रहे थे, गर्मी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ ये सोच के कि समीर के साथ मूवी देखने कैसे जाऊं, अगर किसी ने देख लिया तो, अगर हम पकड़े गए तो।
घर पे क्या बोलूंगी। उस दिन ये सारे सवाल मेरे दिमाग में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। आपको लग रहा होगा कि मूवी ही तो देखने जाना था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब ज्यादातर यंगस्टर्स मूवीज स्कूल या कॉलेज बंक करके देखने जाते थे, हजार बहाने बना के, हजार रिस्क उठा के। अब कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। मुझे रिस्क उठा के गेन हुआ या पेन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।